गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द साइक्लोट्रॉन। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द लीनियर एक्सेलरेटर एंड द डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर। लास्ट लेक्चर में हमने डिसएडवांटेज लीनियर एक्सेलरेटर, क्योंकि जितना बड़ा डिवाइस होगा उतना वैक्यूम क्रिएट करने में प्रॉब्लम है, और जितना बड़ा होगा डिवाइस उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल टू वी बाई डी फॉर्मूला से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। इसलिए दो डिफिकल्टी है लीनियर एक्सेलरेटर में। इसलिए नेक्स्ट साइक्लोट्रॉन जो है वो डिवाइस भी इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल विथ वेरी वेरी हाई एनर्जी विथ हाई स्पीड। स्पीड हाई होगी तो एनर्जी भी हाई होगी, इक्वल टू 1/2 mv² से। तो साइक्लोट्रॉन जो है वो एक ऐसा डिवाइस है कि उससे हम कोई भी चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, प्रवेगित कर सकते हैं। ऐसा मशीन है ये। तो उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो उसका प्रिंसिपल तो मैंने बता दिया, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल विथ वेरी वेरी हाई स्पीड एंड अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू इक्वल टू 1/2 mv², इट्स गेनिंग अ हाई एनर्जी। ओके, सो नाउ the construction of cyclotron machine. See, in this figure, this is electromagnet north pole and this is a south pole. In these two poles of a magnet there are two disks, semicircular yahan pe do disk hai, that is known as d1 and d2, aur dono ke beech mein ek gap hai। तो ये 3D पिक्चर जो है उसमें आपको पता चलेगा, अभी 2D पिक्चर जो है हम वापस उसको देखेंगे, पर ये 3D पिक्चर में आपको पता चलेगा कि मैग्नेट कहाँ पे होता है, ऊपर नीचे, यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डिस होती है उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, उसको लंब जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ में एंटर होता है, यानी ये डिस जो है उसका जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में एंटर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर जो है। तो यहां पे ये डिवाइस जो है वो दो टाइप के फील्ड हमें यहां पे देने हैं, एक तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये स्टैटिक यानी डीसी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक, और दूसरे ये D1 और D2 जो है उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, यहां पे AC अल्टरनेटिंग, दिस इज अ बैटरी, डीसी के लिए बैटरी आता है, ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उससे हम कनेक्ट करते हैं D1 और D2। उसका मीनिंग क्या होता है, यहां पे सपोज बैटरी कनेक्ट की है तो बैटरी में क्या होता है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल एक D1 के साथ कनेक्ट किया है तो ये D2 के साथ नेगेटिव हुआ, पर ये अल्टरनेटिंग बैटरी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी D1 थोड़े टाइम के बाद D1 पॉजिटिव होगा, D2 नेगेटिव होगा, वापस D1 नेगेटिव होगा, D2 पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेटिंग टाइम के साथ जो है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हमने अप्लाई किया। तो दो टाइप का फील्ड हमने अप्लाई किया है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा, अल्टरनेटिंग AC इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पे, दो ये दो D1 और D2 जो है उसके बीच में ये गैप है और उसमें हमें चार्ज पार्टिकल को एंटर करना है और ऐसे करके जो है वो स्पाइरल मोशन जो है उसमें करेगा। तो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवाता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है एवरी रिवॉल्यूशन जो करेगा। तो ये 3D पिक्चर को ध्यान में रखो, हम वापस स्क्रीन पे जाते हैं, ये आपका 2D पिक्चर है, यहाँ पे ये D1 और D2 है, ये डिस्क जो है D1 और बीच में गैप है और ये D2 है, D1 और D2। तो साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू
होलो, अंदर से होलो है, सेमी सर्कुलर यानी पूरा सर्कल नहीं, सेमी सर्कुलर मेटल बॉक्स, ये मेटल की बॉक्स है, अंदर से होलो है यानी अंदर चार्ज पार्टिकल घूम सकता है। मेटल बॉक्सेस, टू मेटल बॉक्सेस D1 एंड D2, दोनों का साथ में नाम उसको डिस बोलते हैं, और ये दोनों के बीच में जो गैप है वहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बीच में सेंटर से उसको एंटर करते हैं, और ऐसे करके ये डॉटेड लाइन जो है वो चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है, वो ऐसे ऐसे करके स्पाइरल मोशन करके वो एक टाइम के बाद वो बाहर एग्जिट, यहाँ से एग्जिट करेगा और टारगेट पे कोलाइड होगा। तो ये पूरा मशीन जो है वो वैक्यूम में होता है, ये आपको समझ लेना। तो सोर्स चार्ज पार्टिकल को सेंटर से उसको गैप में रखना है, लोकेटेड एट द नियर द मिड पॉइंट ऑफ द गैप बिटवीन द डिस। नेक्स्ट, दोनों डिस जो है वो इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर है, और दोनों को हमने वैक्यूम चैम्बर में रखा है, और दोनों डिस को हमने क्या किया है, अल्टरनेटिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया है, और ये डिस्क, दोनों डिस्क को ऊपर से और नीचे से हमने यहाँ पे देखा है आपने कि ये जो है दोनों का, ये दोनों डिस्क है उसे ऊपर और नीचे जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। अभी हम देखेंगे कि उसको चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पे D1 जो है, अभी चार्ज पार्टिकल जो एंटर किया है मैंने सेंटर से वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो D1 सपोज मान लेते हैं कि D1 को नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अभी है, थोड़े टाइम के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेटिंग है। इसलिए अभी मान लेते हैं कि D1 नेगेटिव टर्मिनल है, D1 नेगेटिव टर्मिनल के साथ किया है और D2 पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैट ये आपका बीच में जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए ये पार्टिकल जो है वो D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। बाद में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करवाएगा, सर्कुलर मोशन करवाएगा, वापस गैप में आएगा, गैप में जैसे ही गैप में आएगा तो D2 जो है वो नेगेटिव बन जाएगा और इसको अट्रैक्ट करके उसको इसमें आ जाएगा, वापस गैप में आएगा, गैप में आने से वो D1 और D2 की जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो पोलारिटी है वो चेंज हो जाएगी, वापस गैप में आने से D1 नेगेटिव हो जाएगा यानी वापस अट्रैक्ट करेगा। एवरी टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी बार रहेगा वो क्या करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, उसका जो प्रवेगित जो हो जाएगा यानी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, ऐसे करके वो सर्कुलर मोशन जो है वो करता जाएगा। तो देखो यहाँ पे नीचे थियरी में, सपोज अ पॉजिटिव आयन लीव्स द आयन सोर्स एट द सेंटर, यानी ये आयन सोर्स में से आयन निकलता है, पॉजिटिव आयन वो निकलता है तो वो सीधा D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, और क्योंकि D1 जो है वो नेगेटिव है शुरू में, बाद में वो टाइम के साथ एवरी T/2, कैपिटल T/2 यानी पीरियोडिक टाइम T/2 से वो अल्टरनेटिव चेंज होता है। ये आपने एसवा में पढ़ा है कि तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस में जाएगा, वो D1 की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वापस गैप में आएगा, गैप में आने से D1 पहले क्या था, नेगेटिव था, तो D1 पॉजिटिव बन जाएगा और D2 जो है नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा यानी वापस इस साइड आएगा। एवरी टाइम जब भी गैप में जाएगा तो D1 और D2 की पोलारिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ऐसे करके वो हाई स्पीड गेन करेगा, और उससे आपका, आपने जो वोल्टेज दिया है V × E इज इक्वल टू 1/2 mv², V यानी वोल्टेज अप्लाइड, और ऐसे आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये इक्वेशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने हैं कि इक्वेशन में सर्कुलर मोशन करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, तो mv² / r, यहाँ पे दिखता नहीं पर mv² / r इक्वल टू qvb, ये इक्वेशन जो है वो हमने 12th में पढ़ा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो लिखा है वो mv² / r है इज इक्वल टू qvb, क्यू यानी चार्ज, E है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, और वी ये जो है वेलोसिटी है, तो BEV इज इक्वल टू mv² / r, यहाँ पे एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा और आपको रेडियस मिलेगा, यहाँ पे रेडियस मिलने के बाद आपको ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, v/r से आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, r की जो वैल्यू थी वो यहाँ से आप यहाँ पे रखोगे तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो मिल जाएगा। तो एक सर्कल लगाने में वो कितना टाइम लगता है, तो दैट इज T = π/, सेमी सर्कुलर है, हाफ सर्कल, इसलिए
टू पाई नहीं आएगा, हाफ के लिए पाई, तो पाई जितना डिस्टेंस कवर किया कितनी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से, तो पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये है, तो आपको टोटल टाइम हाफ सर्कल करने के लिए जो है वो मिल जाएगा, पूरा सर्कल नहीं है क्योंकि ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो ये ऐसे आपको जो है वो टाइम, ये टाइम की वैल्यू जो है वो आपको मिल गई हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, हाफ सेमी सर्कुलर ट्रैवल करने के। तो ये ऐसे करके जो है वो आपका घूमता रहेगा और लास्ट में जो है वो उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी से घूमेगा तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, ऐसे करके आपको जो है वी मैक्स मिलेगा, और वी मैक्स की वैल्यू करके यहाँ पे रखोगे तो टोटल एनर्जी जो है वो भी मैक्सिमम मिलेगा। तो एक बार वो आयन जो है वो निकल जाने के बाद आपको टोटल एनर्जी मैक्सिमम गेन होने के बाद वो टी बाई टू इंटरवल, स्मॉल टी की जो वैल्यू है टी बाई टू रखने से आपको क्या मिलेगा, वो एवरी टाइम हाफ टाइम पीरियड के साथ वो उसकी अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो आपको यहाँ पे टी का इक्वेशन मिलेगा, और ये कैपिटल टी जो है एफ इक्वल टू वन अपॉन टी से आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर मिलेगा, यानी ये मशीन की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और ये फ्रीक्वेंसी और आपने जो अप्लाई किया फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होगी, तो आपको ये इक्वेशन सभी याद रखने हैं और इसमें तो आपको, पर ये पार्टिकल जो है ये मशीन की ड्रॉबैक ये है कि ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जो है उसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकता, क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत कम है, और अकॉर्डिंग टू जब स्पीड बढ़ जाती है तो ये इक्वेशन से, ये इक्वेशन जो है वो रिलेटिविटी में आप पढ़ोगे तो ये एम इक्वल टू एम जीरो, कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट पोजिशन में उसका मास, उसको रेस्ट मास बोलते हैं, और जब मूविंग है तो इतनी सारी स्पीड से जाएगा तो मास जो है वो बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, और मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, तो ये मशीन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा सकता है, तो ये ड्यू टू ये लिमिटेशन है, तो आपका ये मशीन जो है वो साइक्लोट्रॉन मशीन, आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है कि ये साइक्लोट्रॉन मशीन जो है वो आपने, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये आपका साइक्लोट्रॉन मशीन है, दोनों ड्रॉबैक जो है, यहाँ पे एग्जांपल भी आप कर सकते हो, यहाँ पे टाइम टाइम कितना टाइम है वो कैलकुलेट, मास दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ये सब दिया है, तो साइक्लोट्रॉन क्या फ्लक्स डेंसिटी यानी बी दिया है, और प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है, तो प्रोटॉन का मास आपको ये है, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³⁻ होता है, तो आपको क्या पूछा है, हाउ रैपिडली शूट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितने फास्ट आपको रोटेट करना पड़ेगा, यानी D1 और D2 को जो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है वो कितने टाइम में, तो 10⁻⁸ सेकेंड जितना टाइम में आपको D1 और D2 इतने टाइम में चेंज होते रहते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं, ओके, तो ये जो है वो आपका टॉपिक है साइक्लोट्रॉन।